गुड मॉर्निंग। आज ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत हम बीएड फर्स्ट ईयर प्रथम प्रश्न पत्र चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि बाल विकास की अवधारणा, उसकी परिभाषा और उसके क्षेत्र के बारे में हम पहले वाली क्लास में अध्ययन कर चुके हैं। इसके साथ में ही हमने अध्ययन किया था कि बाल विकास के सिद्धांत क्या हैं, उनके आधार पर भी हमने अध्ययन किया। क्षेत्र के साथ साथ में सिद्धांतों के अध्ययन की बात में अब स्थिति ये आती है कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर था, उसके बारे में भी हम अध्ययन कर चुके हैं। लेकिन अब जो महत्वपूर्ण टॉपिक आता है वह विकास की अवस्थाओं के बारे में आता है। विकास की अवस्थाएं, देखो, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इनकी अलग अलग दशाएं बताई है, अवस्थाएं बताई है, और वो अवस्थाएं अलग अलग प्रकार की होती है। कोल, जोन्स, सेले, कालसनिंग, फ्राइड, और इन सारे मनोवैज्ञानिकों ने एक मूलभूत आधार पर एक अवस्था निर्धारित की है, और जो कि विभिन्न अवस्थाओं का जो हमें अध्ययन करना है वह महत्वपूर्ण मानी गई है। विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में फ्रीडमैन ने कहा था, व्यक्ति का जीवन एक अवस्था से होकर दूसरी अवस्था में आगे बढ़ता है, चाहे जीवन छोटा हो या लंबा हो। यानी किसी का जीवन काल छोटा है तब भी उसका जीवन प्रत्येक अवस्था में होकर निकलता है, और वह अवस्थाएं आगे निरंतर चलती रहती है। ये किसने कहा? फ्रीडमैन ने कहा था। जोन्स के अनुसार विकास की विभिन्न अवस्थाएं जो सर्वमान्य परिभाषा अवस्थाएं हैं वह चार प्रकार की मानी गई है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। देखिए, शैशवावस्था जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है, ठीक है ना। और इस अवस्था में बालक जब जन्म लेता है तब से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था होती है, और इस समय सबसे ज़्यादा उसमें परिवर्तन होते हैं, उसमें विकास होते हैं, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, संवेगात्मक हो, ये सारे विकास होते रहते हैं। इसलिए फ्राइड ने ये कहा था कि बालक का जो कुछ बनना है वह 4-5 सालों में जो बनना होता है वह निर्धारित हो जाता है, क्योंकि बालक इस शैशवावस्था में ही उसके अपने एक कहावत है कि पूत के पल पग पालने में दिख जाते हैं, यानी उसकी जो सोच होती है वह आगे जाके क्या बनेगा उसके बारे में हम उस शैशवावस्था को देख कर उसकी घोषणा कर सकते हैं, कि उसका भविष्यवाणी कर सकते हैं कि बालक आगे जाके किस के अंतर्गत जाएगा। फिर बाल्यावस्था, शैशवावस्था तक के बाद की अवस्था बाल्यावस्था कहलाती है, जो शैशवावस्था और किशोरावस्था के मध्य की अवस्था होती है, जो कि 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था होती है। फिर 12 वर्ष से 18 वर्ष के बाद में, यानी बाल्यावस्था के बाद की जो अवस्था होती है वह किशोरावस्था होती है। इसमें भी बहुत अधिक परिवर्तन होते हैं, ठीक है ना, और इसमें तनाव सबसे ज़्यादा होता है, तो ये इसको तनाव की अवस्था भी कहते हैं। फिर अंतिम जो अवस्था होती है प्रौढ़ावस्था होती है, 18 वर्ष से अधिक की अवस्था होती है। आज इनके बारे में शॉर्ट रूप में हम जानेंगे कि इनकी अवस्थाएं कब से कब तक है और इनको किन किन उपनाम से भी जाने जाते हैं। तो पहले शैशवावस्था, जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है, और इसमें फ्राइड ने यह कहा था कि इसमें बालक में काम करने की जो प्रवृत्ति होती है वह अधिक मात्रा में पाई जाती है। और इसके साथ में ही क्रो एंड क्रो ने कहा था कि 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, इसलिए इसे बालक शताब्दी के नाम से भी जाना जाता है, और इस समय बालक खिलौनों में ज़्यादा बिजी रहता है और व्यस्त रहता है और खिलौनों में ज़्यादा रुचि रखता है, तो इससे खिलौनों की आयु भी कहा जाता है। और भावन, इस ये नींव की अवस्था है, यानी बालक का जो प्रारंभिक काल है वह शैशवावस्था है।
इसमें आप बालक को जो नैतिक आचरण, चाहे सामाजिक या सांस्कृतिक, आप इसको जिस वे में ढालना चाहेंगे उस वे में ढालने के लिए आप क्या करेंगे, उसके आधार पर उसको तैयार करेंगे और उसी के आधार पर उसका भावी जीवन की आधारशिला निर्धारित होती है। और जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है जब जीवन में वह प्रवेश कर रहा है। आप उसको जिस प्रकार, ये ब्लैक बोर्ड है, ये ब्लैक बोर्ड बिल्कुल क्लीन होता है और मैं यहाँ चाहे जो भी लिखना चाहता हूँ, जो चित्र बनाना चाहता हूँ तो वो बनाता हूँ, तो इसके ऊपर मेरे ऊपर डिपेंड है कि मैं किस प्रकार इसका उपयोग करूँ। तो उस पेरेंट्स का, उस वातावरण का, उस परिवार का बहुत ही उसके जीवन में महत्वपूर्ण काल होता है। फिर इस समय बालक अतार्किक चिंतन करता है, अटपटे से प्रश्न करता है, जिसमें उसमें तार्किक क्षमता नहीं होती, जिसके कारण क्या होता है, वो अपन से प्रश्न करता है तारे कितने हैं, ठीक है ना, आप एक प्रश्न का उतारे आप कह दो कि असंख्य हैं, तो वो पूछेगा असंख्य क्या होता है, ठीक है ना, तो आप क्यों नहीं गिन सकते हो। इस प्रकार के हजारों प्रश्न बालक के अंदर आते हैं, ये अतार्किक चिंतन के अंतर है। 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है और बालकों की शताब्दी होने के कारण इसे बालक की शताब्दी कहा जाता है। रीट की परीक्षा में भी ये प्रश्न आ गया है कि 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है, तो क्रो एंड क्रो के ने यह परिभाषा दी है। तो यह हो गया है शैशवावस्था के बारे में। अब नेक्स्ट अवस्था आती है बाल्यावस्था। देखिए शैशवावस्था में भी परिवर्तन बहुत तीव्र गति से होते हैं। बाल्यावस्था, शैशवावस्था और किशोरावस्था को जोड़ने वाली एक बीच की कड़ी मानी जाती है, यानी संयोजक माना जाता है। और बाल्यावस्था का जो काल होता है वह 6 से 12 वर्ष का माना जाता है और ये जीवन का सबसे अनोखा काल है। इसमें बालक के व्यवहार में कब कौन सा परिवर्तन हो जाता है वह हम पता नहीं लगा सकते हैं। इसमें बालक क्या करता है, अपने आयु की टोली बनाता है जिसे गैंग एज कहते हैं। कि अब ये प्रश्न आता है, गैंग एज किसे कहा गया है और या गैंग एज की अवस्था को बताइए, तो 6 से 12 वर्ष। और गैंग एज अवस्था, किस अवस्था को कहा जाता है, तो वह बाल्यावस्था है, ठीक है। इसी के साथ साथ में बच्चा खेल में ज़्यादा रहता है, खेल में उसकी रुचि ज़्यादा रहती है। बालक को ना तो भूख का, ना प्यास का, ना किसी का डर रहता है और वह दिन भर खेलता रहता है, इसलिए इसे खेल की अवस्था भी कहा जा सकता है। फिर आता है वैचारिक क्रिया की अवस्था। इसमें अलग अलग प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं और वह विचार सकारात्मक भी होते हैं, नकारात्मक भी होते हैं, और इन वैचारिक क्रिया बहुत ज़्यादा होती है। अब वह आपको देखकर कई तरह के अतार्किक प्रश्न करता था जो शैशवावस्था। अब यहाँ कुछ तर्क से संबंधित, जैसे कि दादाजी घर में प्रवेश करते हैं, ठीक है, और पिताजी को किसी बात पर गुस्सा आ रहे हैं, तो इस प्रकार का व्यवहार उनके प्रति होता है, तो बालक उनसे प्रश्न कर लेता है कि आपने दादाजी को ऐसे क्यों कहा, या दादाजी पिताजी को डांटते हैं तो उनसे भी वह प्रश्न कर लेता है कि आपने पिताजी को ऐसा क्यों कहा, ठीक है ना। तो ये वैचारिक क्रिया की अवस्था है, ये निर्माणकारी अवस्था भी मानी जाती है, क्योंकि इसमें बालक का निर्माण हो रहा है, इसके व्यवहार का निर्माण हो रहा है, इसके विचारों का निर्माण हो रहा है, इसकी मानसिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, यानी पूर्ण विकास की
अवस्था है। अब धीरे धीरे वह क्या करता है, जो कि अतार्किक चिंतन था वहाँ यहाँ आके मूर्त चिंतन की अवस्था हो जाती है। और मूर्त चिंतन का की अवस्था का मतलब यह है कि बालक धीरे धीरे अपने विचार परिवार से जोड़ता जाता है और उसके बारे में विचार करता है कि क्या वास्तव में ये सही है या गलत है, इस बारे में वह चिंतन करता है। जीवन का अनोखा काल, जीवन का अनोखा काल इसलिए कहा जाता है कि बालक के व्यवहार में बहुत सारे बदलाव आते हैं, अचानक बदलाव आ जाते हैं। बालक बैठा है, अचानक दौड़ने लग जाता है, हंसने लग जाता है, रोने लग जाता है, इस प्रकार इसका जीवन का सबसे अनोखा काल इसको माना जाता है। फिर आता है नेक्स्ट है किशोरावस्था। किशोरावस्था जीवन की सबसे कठिन अवस्था मानी जाती है। क्यों कठिन अवस्था मानी जाती है, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या होता है, हार्मोन्स की अधिकता होती है। और बालक अब क्योंकि 12 साल का हो गया है, बड़ा हो गया है, तो वह अपने आप को अपना अलग आत्मसम्मान के साथ में जीने की उसकी इच्छा होती है। वह ये नहीं चाहता है कि उसको उसके पेरेंट्स के नाम के आधार पर जाना जाए, उसको उसके काम के आधार पर जाना जाए। वह ना तो बच्चा रहता है और ना ही बड़ा बन पाता है, तो इस अवस्था में वह दोनों अवस्थाओं से गुजरता है, ना तो बालक है और ना ही प्रौढ़ावस्था को प्राप्त हुआ। तो इसमें परिवार के लोगों का दबाव भी रहता है कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, आपको हर चीज़ का। अब वह कहते हैं कि चलो बेटा वहाँ चलते हैं, ये काम कर, वो काम कर, वो काम कर। तो इसमें बालक मानसिक रूप से वह अपने आप को स्वतंत्र महसूस नहीं करता है, और जब स्वतंत्र महसूस नहीं करता है तो बालक के अंदर नकारात्मक और सकारात्मक दो प्रकार की भावनाएं जागृत हो जाती है। तो इसलिए इसको जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। कठिन काल का एक उदाहरण दिया मैंने। दूसरा है यह है कि किसी बालक में हार्मोन्स की अधिकता के कारण उसकी लंबाई अधिक बढ़ जाती है, शारीरिक विकास उसका अधिक हो रहा है, शारीरिक विकास अधिक हो रहा है, यानी उसको संतुलित भोजन की अधिक आवश्यकता होती है, वह ज़्यादा रोग खाना खाता है। अब उसने सुबह खाना खाया, दोपहर में भी खाएगा और शाम को भी खाएगा, जितना खाना खाता है उतना उसका पच जाता है। तो परिवार वाले लोग भी सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है, ठीक है, और बच्चा ये भी देखता है कि मैं इतना खाना कैसे खा सकता हूँ, पहले मैं 2 रोटी खाता था, 3 रोटी खाता था, आज मैं 5 रोटी खा रहा हूँ तब भी मेरी भूख शांत नहीं हो रही। तो इसमें वह तनाव महसूस करता है, और इसके अलावा कुछ हार्मोन्स की अधिकता के कारण भी तनाव का महसूस होता है। फिर आत्मसम्मान की भावना, आत्मसम्मान सबसे बड़ा सम्मान होता है। इसमें बालक हमेशा अपने परिवार से अपने को अलग, काम के हिसाब से अपने आप को अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश करता है, और ये इसमें तनाव ये भी होता है शिक्षा की का सर्वश्रेष्ठ अवस्था मानी जाती है, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने का सबसे अच्छी अवस्था किशोरावस्था मानी गई। अब एक बार रीट में प्रश्न आया कि जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा होता है, तो किशोरावस्था है, और शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ अवस्था किसे कहा गया है, तो वह भी किशोरावस्था को कहा गया है। और इसके बाद में आता है प्रौढ़ावस्था में, जहाँ आदमी बालक परिपक्व हो जाता है और वह ज्ञान प्राप्त करके सेवार्थ के लिए समाज के सामने प्रस्तुत हो जाता है। तो ये 4 अवस्थाएं मुख्य रूप से मानी गई है मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, जॉन्स के अनुसार। ये विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में हमने अध्ययन किया है, ठीक है, संक्षेप में शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इन 3 अवस्थाओं के बारे में ही हम अध्ययन करेंगे। अब महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है कि हम इन 3 के बारे में ही अध्ययन क्यों करेंगे, क्योंकि शैशवावस्था
बाल्यावस्था और किशोरावस्था यानी 18 वर्ष तक बालक विद्यालय शिक्षा पूर्ण कर महाविद्यालय में प्रवेश के लिए आगे आ जाता है, आगे बढ़ जाता है, या 18 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करने के बाद में बालक अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में चला जाता है। कोई ITI कर रहा है, कोई मेडिकल में चला जाएगा, कोई डिग्री कॉलेज में एडमिशन लेगा, कोई टीचिंग कॉलेज में एडमिशन लेगा। तो हर एक बालक अलग अलग क्षेत्र में चला जाता है और इनकी मानसिकता को समझने के लिए शैशवावस्था, किशोरावस्था और बाल्यावस्था, इन तीन अवस्थाओं का हमें अध्ययन करना आवश्यक है। तो कल हम शैशवावस्था के बारे में पूर्ण अध्ययन करेंगे। शैशवावस्था क्या है, उसकी क्या उपनाम है, जैसे कि उपनामों के बारे में आज हम अध्ययन कर चुके हैं, और इसके अलावा हम कल इसकी विशेषताओं के बारे में भी अध्ययन करेंगे। नमस्कार।